राम राम भाइयों, हरियाणा जीके बाईएस के चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हमने क्या है एक कोर्स स्टार्ट किया है, कनाल पटवारी का कोर्स। उससे संबंधित हम हरियाणा जीके की बहुत ही अच्छी वीडियो डाल रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा विद्युत परियोजनाएं। तो जो पहली परियोजना है वो क्या है, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र, जो कहाँ पर है, सिवाह गाँव पानीपत में 1 नवम्बर 1979 को इसकी स्थापना हुई थी। भाई याद रखना आपने। नंबर दो है अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना। ये परियोजना झज्जर जिले में है। 29 जुलाई 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका दूसरा नाम इंदिरा गांधी सुपर तापीय परियोजना है। इसकी अक्षमता 1500 मेगावाट है। भाई तीसरा कौन सा है, दीन बंधु छोटू राम तापीय परियोजना, यमुनानगर में है। 14 अप्रैल 2008 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम ऐसा केंद्र है जिसको क्या है, सरकार ने निजी कंपनी को सौंपा है। हरियाणा के अंदर प्रथम ऐसा केंद्र है जिसको क्या है, निजी कंपनी में सौंपा है। तो पावर इसकी क्या थी भाई, 1600 मेगावाट। नंबर चार क्या है, राजीव गांधी विद्युत परियोजना खेतड़ गाँव में है भाई, हिसार में। 24 अगस्त 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। ये क्या है, इसको मेगा परियोजना भी कहते हैं। इसकी जो पावर अक्षमता है बिजली की वो क्या है, 1200 मेगावाट। नंबर पांच पर कौन सी है दोस्तों, महात्मा गांधी विद्युत परियोजना। महात्मा गांधी विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है, झज्जर जिले में है। कोयला आधारित परियोजना है, कोयले से बिजली बनाई जाती है। इसकी जो पावर अक्षमता है वो है 1320 मेगावाट। नंबर छह क्या है दोस्तों, पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना। यह जो नहर है, जो ये परियोजना है वो कहाँ पर है, यमुनानगर हथनीकुंड दादुरपुर के पास एक गांव है, वहाँ पर क्या है ये स्थित है। ये मतलब ये जो कहाँ पर पड़ता है, ये पूरी परियोजना यमुनानगर जिले में पड़ती है दोस्तों। तो नंबर सात पर कौन सा है, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत योजना। ये योजना कहाँ पर है, अपने सोनीपत जिले में है। सोनीपत जिले में क्या इसको स्थापित किया गया है, इसकी क्षमता क्या है, 100 मेगावाट। आठवां कौन सा है, गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना। ये हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण है, फतेहाबाद में है, काजल हेड़ी तथा कुमारिया गांव में। 13 अगस्त 2014 को स्थापित हरियाणा का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है। 2800 मेगावाट क्या है इसकी पावर अक्षमता है। नौवां कौन सा है, गैसीय विद्युत परियोजना। गैस से बिजली बनाई जाती है, कहाँ पर है ये, फरीदाबाद में। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं बिजली विभाग से, हरियाणा बिजली बोर्ड की स्थापना कब की गई थी भाई, 3 मई 1976 को की गई थी। दो निगमों में बांटा गया, आपको पता है भाई हरियाणा जो बोर्ड है उसको दो भागों में बांटा गया है, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो कब बांटा गया था, 14 अगस्त 1998 में। ओके, अब कौन कौन से दो भागों में बांटा गया है, एक तो है उत्तरी हरियाणा बिजली बोर्ड, इसको कब बनाया गया था भाई, 1999 में पंचकूला में इसको भाई इसका क्या है ऑफिस था। फिर कौन सा है, दक्षिणी हरियाणा बिजली बोर्ड, दो भागों में बांटा गया था, उत्तरी और दक्षिणी। तो दक्षिणी क्या है भाई, हिसार में स्थापना की गई थी 1999 में। ठीक है भाई, दो भागों में बांट दिया था। नंबर पांच कौन सा है, समस्त गांव में 24 घंटे बिजली देने वाला। हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है भाई, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पंचकूला। राज्य ऊर्जा पारक कितने हैं भाई, 20। हरियाणा में राज्य ऊर्जा पारकों की संख्या कितनी है, 20। तो सातवां कौन सा है, मारा गांव जगमग योजना। इसका उद्देश्य क्या है भाई, सभी गांव में बिजली पहुंचाना। 12 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। राज्य के सभी गांव में बिजली भाई 1970 तक पहुंचा दी गई थी, आपको पता है। अब ये जो नौवां है ये बहुत ही नया प्रश्न है, नवीनतम प्रश्न है, पराली से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना कहाँ पर खोला गया है, करनाल में। आपने ये क्या है देख लो दोस्तों, आपके लिए कितनी मेहनत से हम वीडियो लेकर आए हैं, अब आप देखो इसके अंदर आपके लिए यूजफुल उपयोगी क्वेश्चन आंसर है या नहीं। ऐसे ही हम क्या है टॉपिक वाइज आपका जो पूरा पूरा हरियाणा जीके का जो सिलेबस है वो कवर करवाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय।